हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर 2022-23। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और जिसका कोड रहेगा 184। तो ये जो पेपर आपका हुआ है आज इंग्लिश का, उसकी जो की है या सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए क्या दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो सब मिलते रहेंगे। सो देखिए, सेक्शन ए दिया गया है जो कि है 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है 10 नंबर का। और ये जो पैसेज है ये आप यहाँ से केयरफुली रीड कर लेंगे। ये पैसेज जो है ये है अबाउट कीवी फ्रूट, कि जो कीवी फ्रूट है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका नाम कीवी क्यों पड़ा, इस तरह की सारी बातें इसमें दी गई हैं। एंड कीवी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल ऑल स्टार फ्रूट, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया गया है। सो यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डज़ द सर्विंग ऑफ कीवी ऑफर। तो इसमें क्या आ जाएगा कि कीवी जो है वो उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। सो कीवी फ्रूट ऑफर ट्वाइस द विटामिन सी ऑफ एन ऑरेंज, एज मच पोटेशियम एज अ बनाना, एंड फाइबर ऑफ ए बोल ऑफ वोल ग्रेन सीरियल फॉर ऑल लेस देन 100 कैलोरीज। तो ये आपका फर्स्ट जो है ए आंसर इसमें हो जाएगा। सेकेंड देखिए, हाउ कैन यू मेक कीवी फ्रूट राइपन, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर हो गया है। हाउ कैन यू मेक कीवी फ्रूट राइपन, जो कीवी फ्रूट है वो कैसे पका सकते हो। सो इसमें डायरेक्ट आंसर दिया गया है, इफ़ अ कीवी फ्रूट इज़ फॉर्म देन इट कैन बी राइपन्ड बाई कीपिंग इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 3 to 5 days। तो 3 to 5 days यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, कीवी हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिशनल ऑल स्टार बिकॉज, तो इसको ऑल स्टार जो है न्यूट्रिशनल ऑल स्टार क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ द बेस्ट न्यूट्रियट डेंसिटी। इसमें क्या है, बेस्ट जो है वो न्यूट्रियट डेंसिटी है, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर फोर है, ए राइप कीवी फ्रूट हैज़, एक राइप कीवी फ्रूट में जो है वो क्या है, उसकी जो स्किन है वो बहुत स्मूथ होती है, सो स्मूथ स्किन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द वर्ड कंपाउंड मीन्स, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, मीन्स टुगेदर, ये हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है, हाउ इज़ कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर द आइज़, आइज़ के लिए जो कीवी फ्रूट है वो कैसे हेल्पफुल होता है, इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए, इट हेल्प्स बाय सप्लाइंग योर आइज़ विद अ प्रोटेक्टिव ल्यूटिन कैरोटीनॉइड दैट्स कंसनट्रेटेड इन आई टिश्यूज एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको इसको लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे दिया गया है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स्ड एज गिवन इन पैराग्राफ फोर। तो एंटोनिम लिखना है डिस्पर्स का, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, तो एंटोनिम उल्टा यानी उसको इकट्ठा करना यानी गैदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें जो है फर्स्ट का, एट फर्स्ट कीवीज वर रेफर्ड एज यंग ताओ और चाइनीज गूसबरी, ठीक है, दिया गया है उसमें चाइनीज गूसबरी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, स्टेट ट्रू और फॉल्स में, कीवी फ्रूट इज ऑल्सो पैक्ड विद ब्लड प्रेशर लोअरिंग कैल्शियम, तो ये फॉल्स है, ये लोअरिंग पोटेशियम है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी डन टू स्टोर द फ्रूट लोंगर, अगर हमें फ्रूट्स को लंबे टाइम तक स्टोर करना है देन हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, सो वी इफ यू वांट टू स्टोर द फ्रूट लोंगर यू शुड कीप इन अ प्लास्टिक बैग इन द रेफ्रिजरेटर, उसको प्लास्टिक बैग में रख के तब हमें फ्रिज में रखना चाहिए। तो ये एक आपके लिए अवेयरनेस भी हो सकती है, यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पैसेज दिया गया है फिर से 10 मार्क का, और ये जो पैसेज दिया गया है आपको ये है अबाउट चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्यों इंक्रीज़ हुई है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, वो सब इसमें दिया गया है, कि जो चाइल्ड लेबर है वो मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरल डेंजरस है एंड हार्मफुल टू चिल्ड्रन है। एंड इसमें जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा पाते हैं, उनके अटेंडेंस कम हो जाती है। एंड अब यहाँ पे दिया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि उनको जो रीज़न क्या है चाइल्ड लेबर के, तो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, तो इस तरह के पॉवर्टी है, और इसके जो कॉज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सब क्या है, पॉवर्टी के कारण है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सब इसमें दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये टेबल भी, जो डाटा है वो भी दिया गया है।
उसके बाद अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलोज. तो इसमें देखिए द पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू हाईलाइट. तो क्या किस बारे में है ये पैसेज? ये पैसेज है द रीजन बिहाइंड चाइल्ड लेबर. तो इसमें जो करेक्ट आ जाएगा वो द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें रीज़न भी दिए गए हैं, उसके क्या इफेक्ट होंगे वो भी दिए गए हैं, पिछले सालों के कंपैरिजन में क्या डाटा है वो भी दिया गया है, वो सारे दिए गए हैं. तो केवल रीज़न नहीं दिए गए हैं, तो इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए चाइल्ड लेबर इज़ डैश हार्मफुल टू फोर चिल्ड्रन. सो जो चाइल्ड लेबर है वो फिजिकली, सोशली, मॉरली, मेंटली सब तरह से जो है हार्मफुल है. तो डी जो है इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड है, एज पर लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड वाज एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर एट द बिगिनिंग ऑफ 2020. तो ये आ जाएगा आपका 1%. नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड इन द अबो पैसेज डैश एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर आर इन हैजार्ड्स वर्क. तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन. After that, select the option listing the severe effect of child labor. तो severe effect जो है वो severe effect of child labor इसमें क्या है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं चाइल्ड लेबर के. तो उसमें देखिए उसमें जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पे है कि उनकी एजुकेशन जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट्स देयर एजुकेशन और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उस पे इफेक्ट होता है. तो फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइव ये इसका आंसर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें आपका आंसर बच्चों सी आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिए व्हाट डज चाइल्ड लेबर डू अ यंग माइंड. सो इट एंडेंजर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड मॉरल डेवलपमेंट. जो चाइल्ड लेबर है वो ये सारी चीज़ें जो है कॉज करती है. एंड क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें, सिंस व्हेन हैज़ ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर स्टॉप्ड. तो ये हो जाएगा 2016. एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर इन द ईयर 2008. तो ये डाटा दिया गया है, वहाँ से देखना था आपको. तो 10% आएगा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन इन द अबो पैसेज इफ वर्किंग चिल्ड्रन ऑफ विच एज आर रिकॉग्नाइज एज चाइल्ड लेबर. सो 5 to 17 जो है एज के बच्चे वो चाइल्ड लेबर में आते हैं, 5 to 17. नेक्स्ट देखिए चाइल्ड लेबर डेप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड एंडेंजर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड मॉरल डेवलपमेंट. सो चाइल्डहुड और जो उनकी जो सेफ्टी है, मॉरल डेवलपमेंट है, उसको ये क्या करते हैं एक तरह से रोकती हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में दिया गया है, या आपने देखिए रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है रोबोट मेकिंग में, इवेंट था एंड पार्टिसिपेंट फ्रॉम एज मैनी 30 स्कूल्स इन द सिटी टू पार्ट इन दिस. तो आपको जो है आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है कि कितने रोबोट बनाए गए थे, बेस्ट प्राइज किसको मिला, और एक प्रॉपर टाइटल भी आपको इसमें देना था. ठीक है, उसके बाद देखिए इसी के और में दिया गया है, यू पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि कंडक्ट कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और आपने कंपटीशन जीत लिया है. एंड योर पेंटिंग विल बी रिलीज, रजिस्टर स्टैम्प, एड नेसेसरी डिटेल एंड राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन इन अ पैराग्राफ, गिव इट अ टाइटल ऑल्सो. तो आपको इसके बारे में भी एक पैराग्राफ लिखना है और एक टाइटल भी देना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, आपको इनमें से भी एक करना है. इसमें भी आपको दिया गया है कि आप योगित या योगिता हो, क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट, और आपको उस चीज़ के लिए पनिश किया गया है, स्कॉल्ड किया गया है जो आपने नहीं किया, और बहुत ही एम्बेरस आप फील कर रहे हो, मिजरेबल फील कर रहे हो. तो आपको अपनी डायरी के साथ अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करनी थी, ये इस पर लिखना था. उसके बाद आपको चॉइस दी गई है, राइट अ स्टोरी इन अबाउट, आपको स्टोरी लिखनी है, गिव यू स्टोरी अ टाइटल ऑल्सो, टाइटल भी देना है. इट वॉज अ फ्रीजिंग कोल्ड नाइट, यू फाउंड अ होमलेस फैमिली ऑन योर डोर स्टेप एंड इन्वाइटेड दैम इन टू योर होम टू स्लीप बट इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में क्या हुआ, आपने किसी को शरण दी अपने घर में, एक होमलेस फैमिली थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, लेकिन सुबह देखा तो आपने क्या देखा, तो बस उसमें आपको अपने विचार जो है स्टोरी को कम्प्लीट करते हुए देने हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया गया है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट चेंज द इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच. तो आपको देखिए, निशान सेट टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर. तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, निशान सेट टू मी दैट ही विल डू इट देन और नेवर, ये आपका राइट आंसर होगा. सेकेंड देखिए, द ड्राइवर सेट डू यू वॉन्ट टू हॉल्ट फॉर अ वाइल. हॉल्ट का मतलब होता है एक तरह से रोकना. सो द ड्राइवर आस्क्ड इफ, यहाँ पे क्वेश्चन हटाएंगे तो इफ आ जाएगा, इफ वी वॉन्टेड टू हॉल्ट फॉर अ वाइल, डी जो है इसका आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शी सेड शट द डोर. तो इसमें ऑर्डर दिया गया है, शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, बहुत ईजी था. तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस वाले का डी है, इस वाले का बी है.
नेक्स्ट करते हैं, तन्मय सेड हेल्प मी टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, तो इसमें आ जाएगा वो यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड है, तन्मय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके लिए आप सन जो है ये जो है याद कर सकते हो, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पे आपको फिल करना है। आई वॉज वेरी, ए में आ जाएगा आई वॉज वेरी प्लीज्ड, ठीक है, प्लीज टू रिसीव योर इन्विटेशन टू स्पेंड द विंटर ब्रेक विद यू, बट आई कैन नॉट बी, इसमें सी आ जाएगा, कैन नॉट बी एबल टू कम एज माई अंकल हैज़ नॉट बीन, थर्ड में बीन आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द पास्ट वीक, आई थिंक आई मस्ट विजिट हिम दिस वेकेशन, आई होप यू विड नॉट माइंड दिस, आई शेल प्लान नेक्स्ट वेकेशन विद यू, होप यू होप टू सी यू देन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर डी है, सेकेंड का आंसर सी है, थर्ड का आंसर ए है एंड फोर्थ का आंसर आपका डी रहेगा। तो ये आपके आंसर इसमें हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में। सेवन्थ में एरर देखते हैं, फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए इसमें दिया गया इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज, तो इज की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। उसके बाद बर्निंग डिमली अ प्रिजनर हिमसेल्फ, अब यहाँ पे अ की जगह क्या आ जाएगा, द प्रिजनर, अब स्पेसिफिक है ना कि यही प्रिजनर है तो द आ जाएगा। सेट बाय द टेबल ओनली हिज बैक, इसमें कुछ नहीं एरर है, द हेयर बाय हिज हेड, तो बाय का जगह क्या आएगा, ऑन हिज हेड, एंड हिज हैंड्स आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, आर की जगह इसमें क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, थ्रू एनी विंडो, एनी विंडो की जगह इसमें थ्रू अ विंडो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके एरर हो जाएंगे, जैसे इसमें मैंने बताया ए की जगह द हो जाएगा, इसमें बाय की जगह ऑन हो जाएगा, आर की जगह वर हो जाएगा, एनी की जगह अ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है, लिटरेचर सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर एट में आपको ये इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ये आपकी जो बुक है उसमें से लिया गया है, एंड यहाँ पे हु इज़ शी हेयर, शी यहाँ पे कौन है बच्चों, एवलिन जो है वो यहाँ पे अपनी बात बता रही है। उसके बाद सी सेंसेस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप्स व्हेन शी प्लेस, तो वो क्या प्ले करती है, जाइलोफोन प्ले करती है। थर्ड है द प्लेटफॉर्म वाज मेड ऑफ, तो प्लेटफॉर्म जो है वो किसका बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, तो इसमें आपका आंसर शी जाइलोफोन, इसमें आपका आंसर बी वुड हो जाएगा। उसके बाद हाउ डज शी फील द वाइब्रेशन ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वाइब्रेशन वो कैसे फील करती है वुडन प्लेटफॉर्म पे, बाय रिमूविंग हर शूज, बाय रिमूविंग हर शूज। उसके बाद देखिए फाइंड अनदर वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से सेम क्या होगा, सिनोनिम दैट इज द रेजोनेंस, क्या हो जाएगा, रेजोनेंसेस। उसके बाद और में दिया गया है जिसमें से आप दोनों में से एक करना था, तो इसमें जो है आपका जो ये दिया गया है, ये दिया गया है इन द किंगडम ऑफ फूल्स से, नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। उसके बाद What was the reason of fight between the guru and his disciple? गुरु और डिसिपल के बीच में रीजन क्या था लड़ने का? They wanted to distract the subject. वो जो है सब्जेक्ट को क्या करना चाहते थे? Distract करना चाहते थे. Next देखिए What would happen according to the guru if one died on the stake? So इसमें क्या आंसर हो जाएगा? He would be reborn as king. He would be reborn as king. एंड वाट डज द वर्ड सोलेमन मीन, सोलेमन का मतलब क्या है, सोलेमन का मतलब होता है सीरियस, सोलेमन मतलब सीरियस। उसके बाद विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रिपीटेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन है, इसमें आपको स्टेंजा दिया गया है एंड इसमें ये स्टेंजा जो है आपको रीड करना है और बताने हैं क्वेश्चंस। नेम द पॉम, तो पॉम कौन सी है, ये द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट देखिए हाउ वाज द अदर रोड, अदर रोड कैसा था, इट वाज एज फेयर एज द फर्स्ट वन बट मोर ग्रास एंड लेस यूज्ड। नेक्स्ट देखिए द सेकंड रोड प्रेजेंट अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट बिकॉज इट वाज स्टिल ग्रीजी ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी ट्रैवलर्स, ठीक है, वो अभी भी ग्रास थी उस पर और बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स ने उसको यूज़ नहीं किया था।
नेक्स्ट देखिए द राइम स्कीम, जो राइम स्कीम आपको दी गई है ऊपर वो है ए बी ए ए बी, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे इसमें फेयर है ए दे दिया, क्लेम बी दे दिया, फिर फियर था तो फिर से ए आ जाएगा, देयर ए और सेम में बी आ जाएगा, क्लेम सेम, तो ए बी ए ए बी इसके अंदर राइम स्कीम आपकी हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद देखिए इन व्हाट सेंसेस वर द रोड सिमिलर, कौन से सेंस में जो रोड हैं वो सिमिलर थे। अब देखिए जो रोड हैं वो दोनों ही पॉइंट को क्या कर रहे थे, एक पे तो बहुत ज़्यादा ग्रास थी और एक पे जो है उस पर कुछ कुछ ग्रास थी, ठीक है, एंड सो दोनों ही उसको अपील कर रहे थे, तो ये दोनों इन व्हाट सेंस वर द रोड सिमिलर, तो इसलिए वो दोनों क्या थी, वो सिमिलर थे। सो बोथ द रोड्स वर अपीलिंग टू द पोएट, इसमें बी आपका आंसर आ जाएगा, बोथ द रोड्स वर अपीलिंग टू द पोएट। उसके बाद देखिए एवरी टिंकल ऑन द सिंग ग्लासेस हैज एन इको इन द हर्ट एंड थाउजेंड ड्रीमी फेंसेस इनटू बीजिंग बीइंग स्टार्ट, इस पोम का नेम क्या है, दैट इज रेन ऑन द रूफ, बी आंसर हो जाएगा रेन ऑन द रूफ। What effect does a tinkle produce? The tinkle produces an echo in the heart of the poet. जो poet है उसके heart में एक echo produce होती है जो sound है उससे। Next देखिए which tinkle is the poet talking about? He is talking about the short light ringing sounds of the rain drop falling on the roof. C जो है इसका answer हो जाएगा। After that what is an echo? What is an echo? Echo क्या है? An echo is a sound produced by raindrop. जो raindrop से sound हो रही है उसको क्या कहा कहते हैं, इको। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन ड्रॉप प्रोड्यूस टिंकल्स, ठीक है, क्या है हुआ जब रेन ड्रॉप्स जो है वो टिंकल साउंड प्रोड्यूस करती है, द टिंकल्स ऑफ रेन ड्रॉप अराउज अ थाउजेंड फैंसीज थॉट्स एंड आइडियाज, फैंसीज क्या है, थॉट्स एंड आइडियाज इन द पॉइंट हार्ट, तो उसके हार्ट में जो है बहुत सारे आइडियाज एंड थॉट्स आते हैं उन साउंड्स को सुनकर। तो ये जो है आपके थे 1-1 mark के क्वेश्चन सारे। उसके बाद आपको दिए गए हैं 40-50 जो वर्ड्स है उसमें आपको कोई भी 4 questions इनमें से करने थे बच्चों, तो आई होप आप सबने ये जो है सॉल्व कर दिए होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड इसमें से आपको जो है एनी 2 करने थे, 3 आपको गिवन है, एंड आफ्टर दैट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बिहेव इन अबाउट 100 to 120 words, कोई भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना था। What kind of room was the doctor living in and why did he decide to leave the room and in the poem why is the deeply attached with the lake isle of हैंस फ्री, ठीक है, एक्सप्लेन करना था, ठीक है, तो ये था अभी क्वेश्चन नंबर 13 और भी है, इसमें से भी आपको मोमेंट्स जो बुक है आपकी उसमें से एक क्वेश्चन करना था, एक है आपका द लॉस्ट चाइल्ड से और एक है इन द किंगडम ऑफ फूल से, क्लियर, 6 mark का क्वेश्चन है, 100 to 120 words में आपको इसका आंसर करना था। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, एंड जैसे ही इसकी की आती है मैं आपके साथ आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, टेक केयर।